इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। प्लास्टिक की 10 बोतल लाओ और दूध की एक थैली मुफ्त में ले जाओ। विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सच है। हरियाणा के पंचकुला में प्लास्टिक के निपटारे के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। पंचकुला नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहर को टॉप 20 में लाने के लिए एक वेस्ट एक्सचेंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये देश में अपनी तरह का एक पहला अनोखा कार्यक्रम है। कार्यकारी अधिकारी जे सिंह ने बताया है कि जो हमें 1 किलो प्लास्टिक या फिर 10 प्लास्टिक की बोतलें देते हैं, उन्हें 1 पैकेट दूध मिलेगा। इसका लाभ पंचकुला के कई वीटा बूथों पर उठाया जा सकता है। संपूर्ण स्वच्छता व IEC कार्यक्रम के तहत ये मुहिम निगम द्वारा शुरू की गई है। इसके जरिए निगम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठा रहा है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के तहत इकट्ठा किए गए प्लास्टिक कचरे के बदले अलग प्रकार के इनाम देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 10 प्लास्टिक बोतल के बदले आधा किलो दूध का पैकेट दिया जाएगा, 7 बोतल या 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले 200 ग्राम दही और 5 प्लास्टिक बोतल या 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले 1 ब्रेड का पैकेट फ्री दिया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मार्केट व आसपास के क्षेत्रों को कचरा संग्रहण, साफ सफाई व प्लास्टिक प्रयोग न करने के प्रति जागरूक करना था। लोगों को साफ सफाई, गीला और सूखा कूड़ा अलग करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल ये वेस्ट एक्सचेंज ऑफर सेक्टर 7, 8, 9 और 11 में बने वीटा बूथ पर शुरू किया जा चुका है, जिसे भविष्य में सभी वीटा बूथों पर लागू किया जाएगा। शहर में 4 वीटा बूथ बनाए गए हैं, जहां 10 प्लास्टिक बोतल देने पर 1 दूध की थैली फ्री में दी जाएगी। सेक्टर 7, 8, 9 और 11 में नगर निगम द्वारा बनाए गए वीटा बूथ पर ये वेस्ट एक्सचेंज ऑफर शुरू किया जा चुका है। लोग घरों से प्लास्टिक की बोतल लाकर कचरा संग्रह में डाल रहे हैं और इसके बदले में दूध की थैली लेकर जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में प्लास्टिक कचरा संग्रहण का विकास करना है। तो दोस्तों, नगर निगम की इस योजना पर आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।